बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से सुप्रीम मोहर लगाई गई है रफेल सौदे पर, इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो रक्षा मंत्री के साथ इस वक्त एक अहम बैठक कर रहे हैं। देखिए सरकार जो है अब वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है, सुप्रीम मोहर लग गई है रफेल सौदे पर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक चल रही है रफेल पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों के बीच ये बैठक जो इस वक्त हो रही है, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। राजकिशोर बड़ी खबर। हाँ देखिए रोमाना, लगातार जिस तरीके से विपक्ष ने, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगी, विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, बैठक हो रही है रफेल पर सुप्रीम मोहर के बाद, बैठक का एजेंडा? ये देखिए अभी अभी बैठक खत्म हुई है, निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री से तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकली है। उन्होंने, सूत्रों का कहना है कि निर्मला सीतारमण ने जो सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटीशन, राफेल पर जो रिट पिटीशन थी उस पर जो फैसला आया है उसकी विस्तृत जानकारी दी है। तकरीबन 29 पेज का ये जो फैसला था उसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि निर्मला सीतारमण इस मसले पर संसद भवन परिसर में या फिर रक्षा मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो जाहिर तौर पर ये केंद्र सरकार के लिए और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस ने लगातार मोर्चा खोल रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और राफेल डील पर जो सवाल उठाए जा रहे थे उससे निश्चित रूप से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर एक बट्टा लगाने की कोशिश के रूप में उसको देखा जा रहा था, जिस पर अब पानी फिर चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पूरे फैसले की उनको जानकारी दी है। बहुत बड़ी जानकारी देते हुए यहाँ पर विकास भदौरिया की मुलाकात जो हुई है उसमें किस तरीके से पूरे आदेश के बारे में जानकारी जो दी गई है रक्षा मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देखिए समझना इस बात को होगा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की गई रफेल सौदे को लेकर और सीधे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी कांग्रेस करती हुई नजर आई। जब राहुल गांधी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को भुनाते हुए नजर आए, ये नारे लगवाते हुए लोगों से नजर आए कि चौकीदार चोर है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस मुहर के बाद सबसे अहम बात यह सामने निकल कर आ रही है कि क्या चौकीदार प्योर है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को अब स्वीकार करेगी। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।